नमस्कार दोस्तों, आज बताएंगे आपको किचन मॉडलर किचन किस तरह से बनाया जा सकता है। ये देख सकते हैं, ये खाली जगह अभी है तो आपको ये खाली जगह दिखा रहे हैं। नीचे ऊपर भी देख सकते हैं, इस जगह चिमनी लगेगा। देख सकते हैं इस जगह जो दो पॉइंट देख रहे हैं, ये गीजर का पॉइंट है। नीचे का बॉक्स देख सकते हैं, ये बन चुका है। तो आपको बॉक्स के बारे में नहीं दिखा सके क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता भाइयों। इस तरह से नीचे यहाँ देख सकते हैं सिलेंडर का जगह है, ऊपर भी उसी तरह से बॉक्स बन चुका है। चिमनी के जगह उस बीच में छोड़ चुके हैं। ये बास्केट भी देख सकते हैं लग चुका है। तो इसमें हम बता रहे हैं प्लाई बास्केट में किस तरह से लगाना है। तो इस जगह से हमको ऊपर के बास्केट नाप लेना है पूरा फिक्स। उसके बाद उसी नापी से दोनों साइड दाग लगा देना है दोस्तों। उसके बाद बटाम लगा देना है दोनों साइड। देख सकते हैं इस तरह से बटाम लगा के एक सीधा प्लाई ले लें। इस तरह से प्लाई लेके सामने से निशान लगा देना है। इस तरह से देख सकते हैं ऊपर का भी बास्केट देख लें जो कि क्लियर रहना चाहिए। ये जो नीचे का प्लाई लगेगा थाली बास्केट है, एक तरफ में का आप इसमें साँट लेना है। प्लाई को बड़ा ही रखना है, एक इंची चारों साइड। उसके बाद एक सीधा निस्तर लेके आप यहाँ से नाप लें जो आपको शुद्ध नापी उठेगा। एक बार में आपका सेट हो जाएगा। तो इस तरह से बास्केट निकाल के दरस जितना निशान लगाए हैं उतना निशान लगा के निस्तर से इस तरह से बास्केट भी नाप लें, इसका चौड़ाई। उसके बाद इसका भी जितना चौड़ाई है, उसके बाद जो बचा दोनों साइड इस तरह से बाँट लें। बटाम लगा देना है इस तरह से। उसके बाद बास्केट इस तरह से रख लें, निशान पे रख लें बटाम लगा के दोनों साइड। इस तरह से बटाम लगा दें जो कि आपका एक बार में दोस्तों ये प्लाई आपका सेट हो जाएगा। उसका ये देख सकते हैं ये क्लिप है। ये पत्ती दो लगाएं बाहर के साइड, दो लगाएं अंदर से अंदर के साइड, जो कि बाहर के साइड लगाएं दो तो अंदर के साइड लगाएं जो कि ये खिसकने नहीं देगा दोस्तों। इस तरह से लगा सकते हैं, देख सकते हैं ये चार क्लिप इसमें लगा चुके हैं जो कि एक बार में ये सेट हो जाएगा दोस्तों इस तरह से लगाने पे। तो देख सकते हैं इस तरह से नीचे देख सकते हैं ये पूरा ये सेट हो चुका है। तो ऊपर का भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में कटिंग हो जाएगा। तो ऊपर का भी जो प्लाई लगाएंगे दोस्तों उसी तरह से हमको लगाना है जैसे नीचे आपको बताएं, उसी तरह से इसको भी लगाना है। नीचे से वही हिसाब से अपने स्तर लगा के निशान लगा दें जो कि आपको दिक्कत नहीं होगा। नीचे आपको बता ही चुके हैं बास्केट में चैनल किस तरह से लगाता है दोस्तों। आपको बाद में वीडियो डाल देंगे हम, ये देख सकते हैं उसी तरह से लगा देंगे। 150 तक गैप हो चुका है। तो तीनों बास्केट में हम प्लाई लगा चुके हैं, तो आप प्लाई इसी तरह से लगाएं। देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से साइड से निशान लगा दें, नाप लें कितना मेरा प्लाई निकला हुआ है। इस तरह सीधा निस्तर लगा एक 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 साथ में काटिएगा दोस्तों, तो शुद्ध कटिंग होगा। देख सकते हैं इस तरह से कट चुका है। नीचे भी सारा पल्ला वगैरह लग चुका है, बास्केट भी लग चुका है, सात बास्केट है। ऊपर भी देख सकते हैं पूरा पल्ला लग चुका है। चिमनी जहाँ लगा है दोस्तों देख सकते हैं पूरा फाइनल हो चुका है। तो चिमनी भी इस तरह से लगा के कटिंग करके गेट लग चुका है जो कि बाहर से पता नहीं चलेगा दोस्तों। उसके बाद इसमें जीप प्रोफाइल जो हैंडल होता है उसको किस तरह से लगाना है, ये हैंडल का चौड़ाई नाप के एक प्लाई काट लें। प्लाई 200 बेसी कटिंग करें, ज़्यादा कटिंग करना है। देख सकते हैं कटिंग करके उसके बाद ऊपर पे इस तरह से निशान लगाना है। आपको इसी तरह से सारा पल्ला जहाँ भी लगाना है इसी तरह से आप कटिंग करें जो कि आपका एक बार में आपका हैंडल बैठ जाएगा दोस्तों, क्लियर भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से कांटी लगा के आप काट देना है जो कि हिलेगा नहीं दोस्तों। देख सकते हैं इस तरह से कटिंग हो चुका है। देख सकते हैं इस तरह से लगा दें। देख सकते हैं किस तरह से सारा हैंडल का जो गैपिंग होता है, देख सकते हैं पूरा ये शुद्ध कटिंग हुआ है। इस तरह से गैपिंग कटिंग कर सकते हैं ये प्रोफाइल हैंडल लगाने का। ये 150 तक क्लियर है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं दोस्तों किचन में। जय हिंद, जय भारत।